जनपद जालौन के कोंच में नदी गांव व कोंच विकास खंड कोंच में उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का मतदान जिला अध्यक्ष प्रभाकर दुबे की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें नदीगांव ब्लॉक अध्यक्ष गौरव निरंजन एवं कोंच ब्लॉक अध्यक्ष पद पर विनय विजय हुए, तो वही नदीगांव ब्लॉक महामंत्री पद पर राहुल पटवा निर्विरोध चुने गए। कोंच ब्लॉक महामंत्री पद पर प्रियंका कुशवाहा चुनी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रभाकर दुबे ने बताया कि पदों पर चुने गए अनुदेशक साथियों से आशा है कि वह अपने पद का निर्वाहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक करेंगे और शिक्षक हित के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो वही इस मौके पर महामंत्री राहुल पटवार ने बताया कि उनके साथियों ने जो निर्विरोध विजय दिलाई है, इसके लिए वह हमेशा उनके आभारी रहेंगे और अनुदेशक साथियों के हित के लिए हर समय संघर्षरत रहेंगे। इस मौके पर नदीगांव व कोंच विकास खंड के सभी अनुदेशक शिक्षक मौजूद रहे। चुनाव कार्यक्रम का संचालन महेंद्र कुमार ने किया। लोगों ने ये बैठक बुलाई है, इतने लोग सैकड़ों लोग यहाँ आए, क्या कहना है आपका इस बैठक के बारे में? आज जो बैठक आहूत की गई है, वो बैठक ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव हेतु और नवीकरण जो हर साल नवीकरण होता है, जो 31 मई तक हम लोगों का कार्यकाल रहता है, 1 जुलाई से फिर 31 मई तक रिन्यूवल किया जाता है, उस रिन्यूवल को लेकर ब्लॉक कार्यकारिणी गठन को लेकर और पीएफ संबंधी जानकारी लेकर ये मीटिंग आहूत की गई है और सभी अध्यक्षों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और अभी तक हम लोगों का मानदेय 7,000 मिलता था, लेकिन मैं योगी सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत उनके ऋणी हूँ कि उन्होंने हम लोगों का मानदेय 70,000 दिया। इस बैठक का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बिंदु है इसका? मेन इस बैठक का मेन उद्देश्य नवीकरण और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन है।